हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन के और भी क्वेश्चन बढ़ाया जाए। देखिए, अभी 20 क्वेश्चन को रखते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को और बढ़ा दिया जाएगा, 30 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगी। देखिए, अभी साइंस को भी क्वेश्चन को देख रही हूँ, मैथ्स रीजनिंग के भी क्वेश्चन को मैं अपलोड कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है। तो अभी 20 क्वेश्चन, फिर जैसे एग्ज़ाम पास में होंगे तो मैं क्वेश्चन को 30 to 40 कर दूंगी। तो आज हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है यूरेनियम। ठीक है, देखिए, परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने हेतु परमाणु संयंत्रों में हम लोग यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो परमाणु संयंत्रों में नियंत्रित परमाणु विखंडन अभिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। परमाणु, यहाँ पे परमाणु विखंडन की बात हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि गेहूँ की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, गेहूं की खेती में नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसे बाज़ार में हम लोग यूरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। ठीक है, जो कि वनस्पतियों की वृद्धि में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड। चूहा मारने के लिए रोएटेसाइड का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण हम लोग किससे करते हैं? पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है, और यह बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल में कौन सी धातु होती है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। ठीक है, कितना परसेंट होता है? देखिए, पीतल एक मिश्र धातु होती है, जिसमें तांबा जो है आपका होता है कितना? 70%। और आपका जो जस्ता होता है, जस्ता ये होता है 30%। ये भी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पेड़ से। ठीक है, एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक ज्वर या दर्दनाशक औषधि होती है, जिसे विलो वृक्ष या झाड़ियों से प्राप्त किया जाता है। विलो वृक्ष, ठीक है, नाम याद रखिएगा। इसके पौधे मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे, ये याद रख लीजिएगा कि नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कौन से क्षेत्रों में? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, बस अभी याद रखिएगा, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? ये हमको मिलता है एक पेड़ से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का पूछना है मुझे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, तांबा, चांदी, सोना या लोहा। तो मायोग्लोबिन में जो धातु होती है वो होती है लोहा। ठीक है, मायोग्लोबिन में लौह धातु पाया जाता है, और मायोग्लोबिन समानतः लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन होता है, जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन, जिसका सिंबल एच होता है, इसको जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी या वाटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है,
मार्शियन मूवी आई थी, एक हॉलीवुड मूवी आई थी मार्शियन, उसमें ये प्रोसेस करके दिखाया भी गया है, वो भी कहाँ पे, मार्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? मार्स एक वहाँ पे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है, वहाँ की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनता है और यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें जो है तीव्र विस्फोट के साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा यानी कि हीट उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ठीक है, देयर इज़ फोर ऑप्शन गिवन। ये क्वेश्चन आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये होते हैं डायरेक्शन। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ एनी के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, एसी के बीच में होता है साउथ ईस्ट, और यहाँ पे होता है साउथ वेस्ट, और यहाँ पे होता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसी जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग सब डायरेक्शन कहते हैं, और जो रेड वाला पार्ट है इसको हम लोग डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, रेड वाला डायरेक्शन और ग्रीन वाला सब डायरेक्शन। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो ये नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से, और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा से। ठीक है, महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा से उत्पन्न होती है, कैसे? देखिए, महासागरों में जो वृहत ज्वार एवं जो भाटा पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण ज्वार भाटा की क्रिया को अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, और जो छोटा ज्वार भाटा हर मंथ की सप्तमी और अष्टमी को आता है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस ये ध्यान देना है कि महासागर में जो ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं ये जो है चंद्रमा से होती हैं, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है अम्ल वर्षा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिड रेन होती है। ठीक है, देयर इज़ फोर ऑप्शन, किसकी वजह से होती है, तो ये होती है कारखानों से। क्यों? देखिए, ध्यान दीजिएगा, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन में क्या क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 ये होता है। ठीक है, ये भी पूछा था एग्जाम में, तो याद रखिएगा, जो कारखाने के धुएं तथा जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न होते हैं और ये वर्षा की बूंदों के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल, ये नाम याद रखें क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि पेड़ पौधों और जो इमारत होती है, मोन्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो याद रखना है, एसिड रेन होती है कारखानों से और इसमें SO2 और NO2 गैस से क्या बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, सोने को घोला जा सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, यानी कि रेशियो क्या होगा आपका 3:1। ठीक है, 3 भाग रहेगा किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी कि HCl का, और 1 होगा नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तंतु यानी कि फाइबर को गर्म करके। ठीक है, फाइबर को गर्म करके, किसी भी कांच की नलिका में ऑर्गन और पारे के मिश्रित वाष्प से विद्युत विसर्जन द्वारा श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। याद रखिएगा, कांच की नलिका में ऑर्गन और पारे के मिश्रित वाष्प, ऑर्गन मतलब AR, पारा मतलब HG, इसको हम मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है,
देखिए, जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसमें विभिन्न वर्णों के अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण वह 7 रंगों, रंग कौन कौन सा है आपका, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, लाल एवं नारंगी में बढ़ जाता है। इसको संस्कृत में क्या, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, विबग्योर, ठीक है, VIBGYOR। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ये जो 7 रंग होते हैं, ठीक है, जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, ये जो ग्रुप है कभी कभी इस ग्रुप का क्रम पूछ लेते हैं, और कभी कभी आपसे पूछते हैं, ये तो हमेशा पूछा जाता है कि जो विवग्योर दिया हुआ है ये जो कलर्स होते हैं क्या इनमें ब्लैक कलर होता है या नहीं। तो आपको याद रख लेना है, यहाँ पे जो बी है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है ब्लू को, ठीक है, ब्लू को बता रहा है, ना कि ब्लैक को। तो ब्लैक नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा। विबग्योर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, और उसके बाद बी फॉर आपका क्या होगा, ब्लू, वही आसमानी, जी फॉर ग्रीन, और वाई फॉर येलो, ओ फॉर क्या होगा आपका, ऑरेंज, और आर फॉर क्या होगा, ये रेड, ठीक है, ये आपको याद रखना, ब्लैक नहीं होता है, एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो और बृहस्पति उस रेखा में ना हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है, ए हो जाएगा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। जब चंद्रमा बीच में आएगा तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोलक की काल अवधि यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है, एक सेट इसका टाइम पीरियड नहीं है, डिपेंड करता है किस पर, लंबाई पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के कारण, ठीक है, तालाब में तैरने से क्लोरीन की अधिकता से मनुष्य की त्वचा, स्किन जो है जल जाती है, और जनरली जो क्लोरीन का प्रयोग हम लोग जल में जो गंदगी होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए किया जाता है। तो बी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, तब क्या होता है, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, कि जब विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊर्जा का कोई भी मतलब पार्ट उसका वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही किया जाता है। ये भी जो प्रिंसिपल है कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के केवड़न जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, फर्मेंटेशन से क्या बनता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या क्लोरोफिल। तो शक्कर के फर्मेंटेशन केवड़न से बनता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि शक्कर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है, शुगर होती है वो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है, और इसमें फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, फर्मेंटेशन मतलब केवड़न से, ठीक है, जिसे हम लोग सिरका भी कहते हैं, और इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है, उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि शक्कर में यानी शुगर में क्या क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, इसके किण्वन से इसके जो फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरका, ठीक है। इसकी जो स्मेल होती है बहुत तेज होती है, और इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि एक लास्ट क्वेश्चन जीके का रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो वो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बहुत लोगों ने दिया था,
तो इस क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ बी एन गॉडगिल, बी के आर वी राव, ठीक है, पी सी महालोमनिस और सी एन वकील। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।